मैं तो ठीक है, फालतू के पैसे खर्च नहीं करती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं अभी सुबह सुबह गेहूँ सुखा रही हूँ धूप पे। अभी धूप आई नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि अभी काव्या के पापा काव्या को संभाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गेहूँ वाला काम निपटा दे रही हूँ, वरना वो आके यहाँ छेड़खानी करती है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही इस वाले काम को निपटा दूँ, फिर बाद में ही कोई काम और करूँगी, जो भी घर के काम होंगे डस्टिंग क्लीनिंग के। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ फैला रही हूँ, अभी इनको धोया नहीं है, बस ये साफ़ किए हैं मम्मी जी ने। आपने मेरी पीछे वाली वीडियो में देखे होंगे मम्मी को गेहूँ साफ़ करते हुए, तो वही गेहूँ है ये। तो इन्हें भी थोड़ा धूप में डाल दिया है मैंने। तो धूप में सब चीज़ें सुखाने के बाद मैं किचन की अलमीरा क्लीनिंग करूँगी, तो आज मैं उसी की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए, यहाँ पे सफाई हो चुकी थी, अब यहाँ का रैक है, यहाँ की सफाई होनी है। तो मैं ये क्या करूँगी, इसमें ना मैंने कुछ डाले हैं जो कि मैं धूप में सुखाऊंगी। ये मैं सुखा चुकी हूँ और ये भी मैं सुखा चुकी हूँ। तो ये सब डाले हैं जो मुझे सुखानी है, और साथ में मैं इन डब्बों को भी साफ करूँगी आज। आधा भी क्लीनिंग है और ये भी क्लीनिंग करनी है। तो ये मुझे नहीं सुखाना है, बस इनको सही से करना है, अरेंज से लगाना है, ऊपर भी सब अरेंज से लगेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, आइए। तो ये दालें हैं जो मैं सुखा रही हूँ, ये देखिए ये अखरोट है, वो भट थी, वो गांव की दाल है। तो इन सबको मैं अभी सुखा दूंगी धूप में। तो मैं यहाँ नहा धो के आ चुकी थी और सारा काम हो चुका है घर का, तो बस अब दाल सुखाने वाला काम रह गया है। तो ये देखिए ये है अरहर की दाल, मूंग की दाल, और अब देखिए काव्या भी यहाँ आ गई है जो गेहूँ के साथ खेलने लग गई है। तो पर अब क्या करें, मुझे भी अपना काम निपटाना था, तो मैं इसलिए उसे कुछ नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे सफाई शुरू कर देते हैं फटाफट। हमें ना पता है सफाई करते रहना चाहिए ऐसी जगहों की, वरना यहाँ पे जाले लग जाते हैं और कई प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए इनको रेगुलर करती रहती हूँ, महीने में एक दो बार करती हूँ मैं इनको क्लीन। मैं यहाँ थोड़ा डिटॉल से भी साफ करूंगी ताकि अच्छी से स्मेल आए। तो ये मैंने साफ कर दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ के रख दूंगी मैं यहाँ पे, और ताकि इसमें हवा पास हो और अच्छी से स्मेल आए। तो थोड़ी देर में करूंगी इसे और अच्छे से अरेंज। तो अब यहाँ पे सूख चुका है सारा पानी, तो मैं अब यहाँ पे दालें रख रही हूँ बिल्कुल साफ़ कर कर के। एक्चुअली ये जो डब्बे हैं ये मैं साफ़ कर चुकी हूँ पहले ही, तो क्योंकि मैं इनको धूप में सुखा चुकी थी। तो ऊपर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखो कितना हौच पौच हो रखा है। तो अभी इस तरह मैं सब खाली नीचे रख दूंगी यहाँ पे। और इस डब्बे में मैं जो हमारे पैकेट्स होते हैं नमकीन बिस्कुट्स के, मतलब पूरे पैक्ड होते हैं, खुले नहीं होते, मैं वो रखती हूँ। तो उसको यहाँ पे जो बिस्कुट के डब्बे हैं यानी जो पैक्ड सामान रखे जाते हैं, तो उसको मैं अरेंज कर रही हूँ, ढंग से रख रही हूँ, क्योंकि कभी जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये बादाम का है तो मैं इसको अलग रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सूख चुका है, जब तक इसमें सूखा था मैंने वहाँ अपना लंच रख दिया था तैयार होने के लिए। और देखिए आप मेरे ना किचन में, आप एक चीज देख सकते हो इस अलमीरा में, कि जो डब्बे हैं वो कोई ऐसे डब्बे नहीं है, एक जैसे डब्बे नहीं रखे हैं मैंने। इसके पीछे रीजन ये है कि ये डब्बे पहले से ही मेरी सासू माँ ने अरेंज करके रखे हैं, तो मैं इसको मैं ही हटा रही हूँ, क्योंकि
सही है, मुझे सही लगता है। अगर काम चल रहा है तो ठीक है, फालतू के पैसे खर्च नहीं करती हूँ मैं डब्बों के, कि बस एक जैसे डब्बे होने चाहिए। हाँ, जिस दिन ये खराब हो जाएंगे उस दिन मैं जरूर एक जैसे डब्बे लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है कि बेमतलब के पैसे खर्च करने का। तो यहाँ पे मैं इस जो ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं रखती हूँ ये सब चीज़ें, जैसे वॉशिंग पाउडर वगैरह और साबुन वगैरह रखती हूँ मैं, क्योंकि वॉशरूम में इतनी जगह, मतलब जगह है बट रखने की कोई जगह नहीं है कि कहाँ पे रखा जाए, इसलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। जैसे ये देखिए, वाला पोर्शन ऑलमोस्ट मैंने रख दिया है तरीके से, और अब मैं रखूंगी इधर वाला, ये जो बिस्कुट पैक्ड है वो यहाँ रख देती हूँ मैं, और ये सोयाबीन की कड़ी है। तो आप हमेशा देखेंगे मेरे ना जो भी पैकेट्स खुले होते हैं उसमें मैं हमेशा ऐसे क्लिप लगा के रखती हूँ, ये भी आदत है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लगाना ताकि सील वगैरह ना हो। ये देखिए, तो यहाँ से ही पहले हटाती हूँ सब। तो ये वाला मेरा ऑलमोस्ट डन है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और आएगा सामान। तो देखिए इतना स्पेस है। अब जो ये नमकीन के डब्बे थे ना, ये खुले हुए नमकीन के डब्बे हैं, इसमें मतलब खुले हुए चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें मैं नमकीन वगैरह रखती हूँ खुली हुई, और इसमें मैं रखती हूँ जैसे पोहा हो गया, मैक्रोनी हो गई, सेवैयाँ हो गई, ऐसी चीज़ रखती हूँ। तो जैसे अभी ये था ना, ये काव्या के लिए कल बनाया था तो मैंने यही रख दिया था, तो मैं इसको इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुला आइटम तो नहीं है जो मैंने कभी ऐसी जल्दीबाजी में रख दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये मैं अब यहाँ पे रख दूँगी। स्वेटिंग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, उमस बहुत हो रही है, और ये सब काम करते करते किचन में स्वेटिंग हो ही जाती है क्योंकि फैन वगैरह नहीं चलता है। तो ये मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है यहाँ पे, और इसमें अखरोट है तो मैं इसको भी नीचे रख देती हूँ, और यहाँ प्लास्टिक है और क्या क्या आइटम है, ये है उड़द की दाल, इसको भात धो के सुखाऊंगी, ये धनिया है साबुत धनिया, और ये दिखाती हूँ दोस्तों, ये है अजवाइन जो मुझे साफ़ करने हैं, तो इसको आज नहीं करूँगी मैं, इसे कल साफ करूँगी, कैसे साफ करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी, इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। तो ये सब धूप में जाएंगे, और ये वाटिका के शैम्पू है, ये विम में फ्री मिले हैं तो ये भी यूज हो जाएंगे कभी कभी सर पे। ये वाला, अब ये वाली मुझे साफ करनी है, इसका देखना है, इसका अरेंज करना है कि कैसे होगा, तो करते हैं इसको क्लीन फटाफट, सारे सामान हटा रही हूँ मैं यहाँ से, पहले साफ कर देती हूँ मैं यहाँ से। तो काव्या अभी तक कार्टून देख रही थी, तो अब उसको मैंगो दे रही हूँ, तो वो कह रही मम्मा मैंगो चाहिए मुझे, तो मैं उसके मैंगो काट रही हूँ, ये हमारे गार्डन का ही है, तो देखिए कितना अच्छा होता है, और इसमें बहुत टेस्टी भी होता है, तो मैं काव्या को ऐसे पीस करके दे दूँगी ताकि वो अपने कपड़े भी गंदे नहीं कर पाए और इजली से खा भी ले। तो मैं यहाँ सामान रखना शुरू कर रही हूँ किचन के, क्योंकि ये मैंने क्लीन कर दिया था, और देखती हूँ कहाँ पे क्या क्या आता है। इस वाले पोर्शन पे मैं दांत रखती हूँ ज़्यादा, और इस वाले पोर्शन में ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो कि कभी कभार यूज़ होती हैं। मुझे ना पता है यहाँ पे भी स्लैब लगाना है, क्योंकि डब्बे छोटे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ और डब्बे आ सकते हैं, तो मैं यहाँ स्लैब लगाने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ कब तक लगाती हूँ। दाल भी रख चुकी हूँ, अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये, अभी भी बहुत जगह है इसमें रखने की। तो देखिए कितना क्लीन क्लीन हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है, बेशक
मेरे पास डब्बे सब एक जैसे नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ काफ़ी स्पेस भी है, तो मैं यहाँ और भी सामान रख सकती हूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।